1971 की बात है, दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लंदन में एक फोन लगाया जाता है। दिल्ली से आवाज जाती है, मैडम प्यारे मियां से बात करना चाहती है। प्यारे मियां के फोन पकड़ते ही मैडम की आवाज आती है, वापस लौट आओ, तुम्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, आकर शपथ ले लो। उधर से प्यारे मियां बोलते हैं, जी भाभी। आज बात करेंगे राजस्थान के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री प्यारे मियां यानी बरकतउल्लाह खान के बारे में। भारत की सियासत में कम ही लोग हैं जो गांधी परिवार के बहुत ज्यादा नजदीक रहे हैं, उनमें से एक है बरकतउल्लाह खान। दरअसल बरकतउल्लाह खान लॉ की पढ़ाई के लिए लखनऊ गए थे, जहां उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। बाद में धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आगे चलकर फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी हो जाती है। ऐसे में फिरोज गांधी के दोस्त होने का फायदा बरकतउल्लाह खान को भी खूब मिलता है। 1952 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए नाम तय हो रहे थे, फिरोज गांधी ने दोस्ती का हक अदा करते हुए बरकतउल्लाह खान का नाम आगे किया। बरकतउल्लाह राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। 1957 में खान वापस राजस्थान लौटकर विधायक का चुनाव लड़ते हैं। उस वक्त खान ना सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में मंत्री बनाए जाते हैं। 1971 की बात है, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश हो गया है, वहां से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। दोनों देशों के बीच मानो युद्ध के हालात बन रहे थे। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले राजनयिक मोर्चे को मजबूत करने के लिए भारत का एक प्रतिनिधि मंडल लंदन गया हुआ था। उस प्रतिनिधि मंडल में राजस्थान की मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में मंत्री बरकतउल्लाह खान भी शामिल थे। भारत पाकिस्तान के बीच शरणार्थी समस्या को लेकर लंदन में चल रही मीटिंग्स के बीच दिल्ली से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का फोन जाता है। उस वक्त फोन पर इंदिरा के पीए ने रिसीवर से कहा, मैडम प्यारे मियां से बात करना चाहती है। बरकतउल्लाह खान के फोन पकड़ते ही इंदिरा गांधी ने कहा, आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, आइए वापस लौटकर तुरंत प्रभाव से शपथ लीजिए। इंदिरा गांधी से बात होने के बाद बरकतउल्लाह खान अगली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद उन्हें राजस्थान की कमान सौंप दी जाती है। उसके बाद 9 जुलाई 1971 को बरकतउल्लाह खान राजस्थान के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत में कश्मीर के अलावा पहली बार एक मुस्लिम को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और वो है बरकतउल्लाह खान। बरकतउल्लाह खान राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। बता दें, उनके बाद आज तक कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति इस पद पर नहीं पहुंच पाया है और ना ही जनता का नेतृत्व कर पाया है। नमस्कार।